Welcome to Assist Edupedia. I'm Assistant Professor Nishita Singh, and today we'll be covering a topic from the course Foundation Course 2. This course is available for FY BCom, FY BAF, FY BMS, and FY BCBA. So today we are going to do Chapter 4 from the Module 1, that is Understanding Stress and Conflict Part 1. ये वीडियो खाली पार्ट वन है. द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ. इन फैक्ट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑन अ डेली बेसिस. स्ट्रेस इज समथिंग विच हैज बिकम वेरी कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड. आजकल हम लोग बार बार कई बार स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं. कई बार हम लोग स्ट्रेस के सिम्टम्स को एंजाइटी, पैनिक अटैक्स इनके साथ भी कंफ्यूज करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस होता क्या है एंड क्या पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस करके कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. सो स्ट्रेस मे बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव साइकोलॉजिकल एंड और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑन अ पर्सन. सो जब तक आपकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, आपसे कोई डिमांड्स नहीं होते हैं, स्मूथ सेलिंग लाइफ है, तब तक आप ये स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करते. इट इज व्हेन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, समथिंग विच यू हैव टू गो आउट ऑफ योर लिमिट, बी इट योर फिजिकल लिमिट और योर मेंटल लिमिट. जैसे कि कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया जो मेंटली आपके लिए चैलेंजिंग है, या अगर आप वर्कआउट करने जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, देन इट इज डिमांडिंग फिजिकली फॉर योर बॉडी. एट सच टाइम्स वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस. But then remember, there are two kinds of stress. Stress is just our response or reaction to the situation. So, if we call it a positive stress, that is eustress, then it is good for our body. क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे एनवायरमेंट के लिए, तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी. जैसे मैंने अभी जस्ट आपको वर्कआउट का एग्जांपल दिया. वी नो दैट वर्कआउट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. वो हमारे बॉडी से फिजिकली डिमांड करता है एंड वो डिमांड हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है. हमें खुद को पुश करने की जरूरत होती है. नो मैटर हाउ मच स्ट्रेस वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी हैव टू कीप पुशिंग अप टू एन एक्सटेंट दैट वी रीच परफेक्शन. बट देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इज नोन एज डिस्ट्रेस. सो अगर हम एक पुश करने की भी एक लिमिट होती है, अगर हम उस लिमिट के बाहर पुश करते हैं, हम लोग खुद को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर लेते हैं, वी एक्सपीरियंस फटीक, देन इट इज नोन एज डिस्ट्रेस. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट इज स्ट्रेस एंड इफ दैट स्ट्रेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. नॉनदलेस वॉट एवर काइंड ऑफ स्ट्रेस इट इज, यू हैव टू लर्न टू डील विद इट. एट द सेम टाइम वी मे ऑल्सो एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइफ विच विल लीड टू स्ट्रेस. So now that we have understood what is stress, let's understand the causes of stress. कि stress usually हम क्यों experience करते हैं. So first is organizational. Obviously the workplace in which you work, there may be many factors जिसकी वजह से आपको stress होता होगा. Then there are group stressors such as कि आप किसी group का हिस्सा है and obviously man is a social animal. So we are a part of different kinds of group, be it our work group, our you know social circle or any community. Then we experience a lot of stress managing to be a part of that group. Next we have individual stressors, that is some stress we experience because of our personality, our personal choices, our decisions, which has nothing to do with others but something to do with ourselves. And then last we have environmental stressors. So you must have noticed that I am repeating the word stressor. Stressor, S-T-R-E-S-S-O-R-S. Stressor is something which causes stress. So ye char type ke stressors hote hai. And now we'll look into each kind of stressors in detail. First let's look at organizational causes of stress. First is role conflict. So, कई बार आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. बट कई बार मेरा कोई दूसरा रोल होगा, लाइक आई हैव टू बी अ टीचर. एट द सेम टाइम आई हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो आई हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ बोथ द रोल्स. आई हैव टू बी अ गुड टीचर टू माई स्टूडेंट्स. एट द सेम टाइम आई हैव टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बींग एन एम्प्लॉई. सो मेनी टाइम्स देयर मे कम अ सिचुएशन दैट ये दोनों रोल्स मेरे से अपोजिट थिंग्स डिमांड कर रहे हैं एंड मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू बी अ गुड टीचर, आई हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स माई स्टूडेंट्स, have to understand their financial problem, their you know mental issues. But at the same time, if I am an employee of the organization, I have to make sure that the student scores good marks, that the students are paying their fees on time. So there could be a conflict, that is opposite direction, and that's why I may experience stress.
नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी मतलब अनसर्टन होना, कुछ फिक्स नहीं होना. सो व्हेन आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट माय रोल एग्जैक्टली इज, मतलब भले ही मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग तो लग गया बट उसके अंदर ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आई डोंट नो माई एग्जैक्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन आई मे एक्सपीरियंस स्ट्रेस. सो इट इज नोन एज रोल एम्बिग्यूटी, दैट यू आर अनश्योर वॉट रोल यू आर सपोज टू परफॉर्म. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Often many subordinates are dissatisfied with the organizational structure. They do not like the hierarchy, that is chairman at the top, then the board of directors, then the MD and all that hierarchy. So many people experience stress because of the organizational structure. They may dislike that अगर कोई हायरार्की बहुत रिजिड रहा तो उनको अच्छा नहीं लगता. कभी कभी किसी को बहुत लूज हायरार्की अच्छी नहीं लगती है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Then working conditions. Obviously, if I'm working at an organization where there are no sanitary conditions or there are no proper working conditions, I will definitely encounter physical stress as well as mental stress. So, for example, if I'm working on this organization, in this organization, and there's no proper, facility for women's washroom, then it will be a huge stress for me, because if I'm giving 9 to 10 hours at a workplace, I need some kind of refreshment facilities which are gender specific. So working conditions could be a matter of stress. Then rotating shifts. Nowadays we have been working in a globalized world, so we are working for many multinational companies jinke night shifts hote hai, kabhi kabhi first shift hota hai, second shift hota hai, and ek hi week mein ye shift change hote rehte hai. So it ruins my schedule, my routine, my eating habits, my sleeping patterns. So it becomes stressful for the individual. Next, work overload. I guess I don't even have to explain this point. So whenever you face any kind of overload, you're going to experience stress. Then lack of participation in decision making. So if my organization is going to make certain kind of decisions and if I feel that I'm not a part of it, कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, तो मुझे शायद से स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो मुझे अफेक्ट करेगा. सो आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Then organizational leadership. I may not like the qualities of my leader. शायद मेरा leader बहुत bossy है, बहुत authoritative है, so it could create stress. Then poor performance of the organization. अगर मेरा organization को लेके काफी aims and ambitions है and वो organization top notch level पे perform नहीं करती है, then I may experience stress as an employee. And then last, organizational changes. Sometimes the structure is changed, sometimes the new chairman arrives, so sometimes the policies are changed. So at that time, too many changes may cause stress for the employees. Next, we have group stressors and individual stressors. So group stressors, जब हम एक group में होते हैं, not necessarily कि वो खाली workplace पे हो, it could be your friends group, it could be your community, your society, तब क्या-क्या stress हो सकता है? Lack of group cohesiveness. Cohesiveness मतलब क्या? Coordination. जब group में coordination नहीं होता है, तो stress होता है. If you can remember an example of your group project, अगर आपको group assignments या group project मिल चुके हैं, आपको ही पता है कि कितना difficult होता है सबको एक साथ इकट्ठा करना, सबसे बराबर काम करवा के लेना. So group cohesiveness could be a matter of stress. Then we have lack of social support. अगर हमको हमारे group से, immediate group से social support नहीं मिलता है, then obviously we are stressed out. We want our family to support what we are doing. We want our friends to support us. We want our society to accept us. We want to belong. So lack of social support could be a matter of stress. Then interpersonal and intergroup conflict. So interpersonal मतलब क्या कि नहीं दो जनों में झगड़ा होना, या intergroup मतलब दो groups में झगड़ा होना. Usually we see religious groups fighting, we see different communities fighting amongst themselves. So these kind of conflicts will also lead to stress. Now individual stresses. Now personalities. Now there are two kinds of personalities: personality A and personality B. Some people, they are just happy-go-lucky by nature. They take every situation positively. But then there are some people who are prone to depression. They get easily upset over small things. They like to control things. And jab unke control se bahar chala jata hai, then they feel stress. So it depends on what kind of personality do you have. Then we have life changes. Obviously, everyone goes through life. There are always personal problems, personal struggles. So whatever problems you are going through, whatever changes you face, you may experience stress. Then there are career changes. Obviously, we live in a very competitive and very dynamic world. So possibility here that you have to keep on changing your jobs, or you may not get the kind of salary that you are expecting. So such kind of career threats or changes may lead to personal stress. And then frustration, obviously, because we are dealing with a lot of people on an everyday basis,
we are taking a lot of decisions on everyday basis, it is bound that we will be frustrated at some point of time. So these are some group stressors and individual stressors. Next we have environmental stressors. Environment is basically the surrounding around us. I'm not talking about the green environment, the nature, but the surrounding in which we live on a day-to-day basis. So civic amenities matlab kya, transportation or any kind of facilities which the government provides you. For example, if you are a person who is traveling through train, via train every day, so you experience ki jab bhi train delay hua, aap aapke job pe late pahunchte hai, wahan pe aapko boss se daat padta hai, aapka kaam delay ho jata hai, you have to work extra, aapko late mark lag jata hai. So jab civic amenities proper nahi hoti hai, train ka hi aap example lenge to, so it creates stress and frustration. Then we have caste and religion conflict. So it is very evident in India that we are a very diverse country. We have different castes, we have different religions. So sometimes, many a times in fact, we face, you know, conflicts between these groups, kyunki unke ideologies ya lifestyle match nahi karta hai. That could be a matter of stress for you. Then technological changes. Now we have to constantly get on upgrading in terms of technology, and sometimes it becomes difficult if you are not from the same field. For example, if I'm an assistant professor, I am expert in my particular field, but then I may not know so much about technology. So mujhe constantly upgrade karne mein shayad koi stress feel hota hoga. And last, other factors, you know, again the social group you are living in, the kind of conditions you are growing up. So you know, ye sare factors bhi aapko stress दे सकते हैं. सो नाउ दैट वी हैव लुक्ड एट यू नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, ग्रुप स्ट्रेसर्स, इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट. सो एज आई टोल्ड यू, कॉन्फ्लिक्ट इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप्स. जब मेरे व्यूज तुमसे एग्री नहीं करते और उस चीज की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. First, organizational change. As I told you, if there are changes in the policies or the leadership of an organization, there might be a conflict between the subordinates and the leaders. Next, we have different set of values. Obviously, अगर आप किसी दूसरे घर में पले पड़े हैं, आपके संस्कार अलग है, मेरे संस्कार अलग है, एंड जब हम एक ही जगह पे आके काम करते हैं, देर में भी ए पॉसिबिलिटी कि हमारे आइडियोलॉजीज मैच नहीं करे, एंड दैट्स वाई वी कुड हैव एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. देन देर इज पर्सनैलिटी क्लैशेस. अभी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, जैसे एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स. इंट्रोवर्ट्स दे डोंट लाइक टू टॉक मच, एक्सट्रोवर्ट्स दे आर वेरी लाउड एंड दे आर ऑलवेज टॉकेटिव. सो दीज टू काइंड ऑफ ग्रुप्स में नॉट मैच. शायद एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी अच्छी नहीं लगे. देन देर इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अ लॉट ऑफ पीपल दे लाइक चेंज, दे लाइक टू एक्सप्लोर. मेनी पीपल दे डोंट लाइक टू लीव देयर कम्फर्ट जोन. उनको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, उनको नई चीजें एक्सपीरियंस नहीं करनी है. जब ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं, अगेन देर में भी यू नो कॉन्फ्लिक्ट. देन एग्रीएबलनेस. सम पीपल वो हर हाँ में हाँ मिलाते हैं. कोई कोई ऐसे जिनको अपने ओपिनियन सामने रखना अच्छा लगता है. सो ऐसे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. देन कॉन्शियसनेस, मतलब क्या कि आप आपके कॉन्साइंस का बहुत सुनते हैं. दैट इज वॉट एवर आई एम डूइंग इज राइट. एंड सामने वाला अगर उन्हीं रूल्स एंड वैल्यूज को फॉलो नहीं करता है, तो आप उसको गलत समझते हैं. Then emotional stability. Obviously, if you are not you know emotionally stable, you are going through some kind of situation, then uska lash out aap dusre logon pe nikalenge. So it could be an aspect of conflict. Then we have threat to status. Now if I am an assistant professor here, I am teaching a particular subject, and if a new employee comes and mere status ko ya mere reputation ko usse harm ho sakta hai, ya jis position pe main hu wo position ko koi threat feel hoga, to mujhe us insaan se threat feel hoga, so I will be in conflict with that person. Then we have different perceptions, different you know nazariya, what we say, दुनिया को देखने का, उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो लोगों के बीच में. कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली जो मेरे ही लेवल पे काम कर रहा है, मुझे चाहिए रहेगा कि ऑब्वियसली मैं उससे आगे रहूं, मुझे उससे ज्यादा रिकॉग्निशन मिले. सो कॉम्पिटिशन की वजह से, सी गुड कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज यू नो वेलकम, हेल्दी कॉम्पिटिशन, बट समटाइम्स इट मे कन्वर्ट इन टू यू नो राइवलरी एंड देन इट कुड गेट टॉक्सिक. Then we have problem of multiple roles, कि एक ही इंसान को बहुत roles perform करने पड़ते हैं. As I told you, I have to be an assistant professor in the organization, I have to be a daughter at my home, I have to be a sister to my sister. So a lot of roles, sometimes a wife to my husband and so on. So when you have a lot of roles to play in a single day, it could be stressful.
problem in setting goals. Maybe my goals do not match with my lifestyle, with my routine, with my current career option. So there is a cause of conflict. Then lack of trust. If I'm not trusting the people around me, obviously I will have conflicts with them. Other causes, and so on. So next, now the people who are going to influence us, these are known as agents of socialization. मतलब हम जिस social context में रहते हैं या जिन surrounding में रहते हैं, ऐसे कौन से groups हैं जो हमको you know influence करते, impact करते, जिसके वजह से either we experience good stress, that is eustress, or distress, that is bad stress. So first is our family, definitely. हम बचपन से family के साथ बड़े होते हैं, so a large part of our personality, our mindset is you know influenced by family. नेक्स्ट वी हैव आवर टीचर्स. फैमिली के तुरंत बाद एज अ चाइल्ड अगर हम कहीं एंटर करते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो वो स्कूल होता है जहां पे हम अपने टीचर्स से मिलते हैं. सो टीचर्स का बिहेवियर, उनका पर्सनैलिटी, उनके टीचिंग्स आर श्योरली गोइंग टू इम्पैक्ट योर आइडियोलॉजी, योर पर्सनैलिटी. देन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इज योर प्योर इन्फ्लुएंस, दैट इज योर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स कई बार कहा जाता है, जो तुम जैसे संगत में रहते हो वैसे ही बन जाते हो. सो बहुत जरूरी है दैट वी चूज आवर फ्रेंड्स वेरी सिलेक्टिवली, द पीपल वी आर अराउंड. और एटलीस्ट इफ वी आर चूजिंग एनी काइंड ऑफ पीपल एज आवर फ्रेंड, वी नीड टू बी केयरफुल कि हम कौन से वैल्यूज उनसे सीखते हैं. नेक्स्ट वी हैव द मास मीडिया. आज हम दोस्तों के साथ जितना नहीं रहते उतना अपने मोबाइल फोन्स पे रहते हैं, टीवी के सामने रहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट. सो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू एवरीथिंगनेस आउट देयर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप कौन से थिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग यू इन वन वे और अनादर. नेक्स्ट वी हैव नेबरहुड. ऑब्वियसली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमारे नेबर्स है, सो वो भी हमको इन्फ्लुएंस करते हैं. उनके थॉट्स की वजह से हम कई बार अपने थॉट्स को सप्रेस कर देते हैं, सो दे कुड बी एन एजेंट ऑफ चेंज. देन रिलीजियस लीडर्स. हम लोग अपने रिलीजन को अगर बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं तो हम उन रिलीजियस लीडर्स को भी फॉलो करते हैं, उन्होंने जो कहा वो मानते हैं. सो दैट कुड बी अ मैटर ऑफ स्ट्रेस और मैटर ऑफ चेंज. Then workplace, obviously the workplace where we are working, we spend 9 to 10 hours of our day into that place. So obviously वहां से भी हम लोग इन्फ्लुएंस होंगे, जो भी पॉलिसीज है, बिहेवियर है, सोशल ग्रुप है, उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट. एंड देन वी हैव आवर सोशल ग्रुप विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोसाइटी, एवरीथिंग, द पीपल वी आर कॉन्स्टेंटली अराउंड फॉर मेजोरिटी पार्ट ऑफ द डे. So these are the people or these are the groups are, who are going to be agents of socialization. That is, they are going to impact you on an individual level, on a social level, on an ideological level, on every basis. आपका thinking, आपका thought process, आप कैसे रहते हैं, जीते हैं, आपको कितना stress होता है, कितना stress नहीं होता है, वो सब इन्हीं groups या factors पे based है. So now we have already covered a lot of section of the topic. We'll stop here for the first day and the remaining part we'll cover in the next part. Okay? Thank you so much.